तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ है कि जब गवर्नमेंट ने हमारे जब पबजी को बैन किया, तो पबजी तो बैन कर दिया, लेकिन जो है उसका सर्वर टेंशन ने जो है अभी तक चालू रखा है। और जिसके जिसके मोबाइल में जो है आपने पहले से अगर डाउनलोड करके रखा हुआ होगा पबजी को, तो आपने देखा होगा कि वो जो है अभी तक रन कर रहा है। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने पबजी को तो बैन कर दिया है, लेकिन टेंसेंट या ब्लू होल कंपनी ने अभी तक जो है सर्वर को बैन नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जो है आपको रिटर्न इंडिया में पबजी देखने को मिले। गवर्नमेंट ने प्ले स्टोर से भी पबजी को हटवा दिया और ऐप स्टोर से भी पबजी को हटवा दिया, लेकिन अभी भी जो है सर्वर काम कर रहा है। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करना, उसका जो ओरिजिनल वर्जन है, जो अभी न्यू वर्जन, जो नया अपडेटेड वर्जन आया है, वो तो आपको कहीं इंडिया में रह के जो है आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन भाई अगर कोई डाउनलोड करके बता भी रहा है तो भाई वो हैकिंग बता रहा है। वो चीज जो है मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो एक इलीगल चीज है और इलीगल चीज हमारे वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हमेशा हर एक चीज जो है लीगली देखने को मिलेगा, ठीक है। और रही बात अगर डाउनलोड भी आप अगर करना चाहते हो, तो देखिए आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पुराने वर्जन ही जो है डाउनलोड करने पड़ेंगे। या तो फिर आप जो है जिसके पास पहले से पबजी है वहां से जो है आप फाइल को ट्रांसफर करवा लो। और देखिए वहां पे से एक ओबीएफ फाइल भी आता है, ओबीएस फाइल। वो ओबीएस फाइल को आप देखना उसके मोबाइल में कौन से ऐसे तो एंड्रॉइड के अंदर ही होता है, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर भी कौन से फाइल के अंदर वो ओबीएस फाइल होता है, वहीं पे जाके उस ओबीएस फाइल को आप जब अटैच कर दोगे, मतलब वहां पे जाके आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, उसके बाद ही जो है आपका पबजी जो है इंस्टॉल हो पाएगा। वरना आपका पबजी जो है इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, आप उसे रन नहीं कर पाएंगे अपने मोबाइल में। क्योंकि भाई प्ले स्टोर में जो है बहुत हाई फाइल को जो है अपलोड करने की अनुमति नहीं है, वो चीज जो है उधर नहीं दिया जाता। तो वहां पे जो है आप पबजी को कभी भी शेयर के थ्रू अगर लोगे, तो उसमें आपने एक चीज देखा होगा, वो कभी भी जो है प्रॉपरली रन किया वो तो इंस्टॉल भी नहीं होता है, ठीक है, वो इंस्टॉल भी नहीं होता है। तो वो ओबीएस फाइल जो है वो अलग से डाउनलोड होता है, जो कि 1 GB के आसपास का होता है, 1 GB से भी ऊपर का ही होता है, आसपास का मैं कह रहा हूँ। इसके लिए जो है वो इतना बड़ा गेम होता है, वो ओबीएस फाइल जो है वो एक्स्ट्रा डाउनलोड करता है प्ले स्टोर से, ठीक है। तो अगर आपको अगर पबजी चाहिए तो आपको बहुत सारे वेबसाइट ऐसे मिल जाएंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे, आप एपीके सर्च करना तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे इधर आपको वेबसाइट तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको डाउनलोड करना नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक है apkmirror.com, और भी कई सारे वेबसाइट हैं, जैसे कि spartskida.com, और भी कई सारे ऐसे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे, जैसे कि एपीके प्योर, आपको ये सब वेबसाइट में जाके आप वीपीएन के थ्रू जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, ये क्योंकि ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन किया है, तो हम जो है उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि भाई ये सिक्योरिटी थ्रेट के लिए जो है हमारे गवर्नमेंट ने बैन किया है, और हम जो है उसे मतलब किसी अपने इंजॉय के लिए तो है, हम उसे इलीगली तौर पे तो यूज नहीं करेंगे जब तक हमारे इंडिया में उसी पबजी को जो है अनबैन ना कर दिया जाए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी जो है उसे इंस्टॉल मत कीजिए। हो सकता है कि वो जो है एक क्या कहते हो, वो मालवेयर आपके मोबाइल में आ जाए, कोई हैकर ने उस पबजी को जो है कुछ अलग तरीके से मॉडिफाई करके उस वेबसाइट में डाला हो। हो सकता है उसे आप इंस्टॉल कर ले तो आपके मोबाइल में मालवेयर वगैरह आ जाए, किसी तरीके का जो है कोई वायरस वगैरह आ जाए, और आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप कहीं पे भी जो है वो हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आप जो है उसे डाउनलोड बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं आपको यही प्रीफर करूंगा। अगर आप फिर भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये सब वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर जिसके पास पहले से है पबजी, आप उससे जो है डायरेक्ट शेयर करवा लीजिए उस फाइल को, जो है अपने मोबाइल में शेयर के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, जिसके भी थ्रू आप मंगाना चाहते हैं उससे ले लीजिए, और उसके बाद अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप रन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो को आपने यूट्यूब में देखा है तो प्लीज पेज को जरूर लाइक कीजिए, और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गुड लक।